दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। कंपोजिशन स्कीम का सेवेंथ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हो अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी 6 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए इस चैप्टर के, जहां पर मैंने आपसे एग्रीगेट टर्नओवर की भी बात करी हुई है कि किस तरीके से आप अपने एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करते हो, किस तरीके से आप अपने टर्नओवर इन द स्टेट को कंप्यूट कर सकते हो, क्या टैक्स रेट आपको पे करना पड़ेगा, क्या कंडीशन होती है स्कीम की। तो सारा डिस्कशन मैंने आपसे ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉम्पोजिशन स्कीम की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां पर जाकर के पिछले जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के वो सारे देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जितने भी टैक्स रेट दिए हुए हैं आपको, ये सारे मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की बात करी थी हमने, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की बात करी थी, ट्रेडर्स की बात करी थी, ट्रेडर या फिर रिटेलर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर की बात करी थी कि कितना परसेंट उनको जीएसटी देना होता है, तो ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यहाँ पर बस मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हम लोग जब टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे तो वहां पर हम इन परसेंटेजेस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहला अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन वन हमसे बोल रहा है, राघव इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स हैविंग वन यूनिट A1 इन यूपी एंड अनदर यूनिट A2 इन MP। अब आपको जब क्वेश्चन आप कर रहे होगे कॉम्पोजिशन स्कीम के, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पर्सन मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक पर्सन का रेट यहां पर अलग होता है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है और जो ट्रेडर है, इन दोनों का 0.5% है, या फिर हम कह सकते हैं 1% ओवरऑल इन दोनों का रहता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट होता है, लेकिन ट्रेडर के केस में, ट्रेडर या फिर रिटेलर आप इसको बोल सकते हो, तो 1% ऑफ द टर्न ओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज होता है। यहाँ पर मैंने आपको ये जो टैक्स रेट वाला वीडियो था वहां पर उसमें क्लियरली बताया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछले वीडियोस आप एक बार जाकर के देख लो, नहीं तो टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने में आपको दिक्कत होगी। तो ये होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये जब भी क्वेश्चन करोगे तो ये देख लेना कि वो मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं या फिर ट्रेडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कैटेगरी में वो पर्सन फॉल कर रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने बोला कि राघव इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, मतलब उसने ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अंदर अपने आप को ऑप्ट कर लिया है। फॉर गुड्स हैविंग वन यूनिट A1 इन यूपी, एक यूनिट उनकी यूपी में थी, दूसरी यूनिट A2 उनकी MP में थी। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे बताया था कि आपका जितने भी बिजनेसेस हैं उन सारे बिजनेस को आपको कलेक्टिवली कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप एक बिजनेस को कॉम्पोजिशन स्कीम में रखो, दूसरे बिजनेस को आप नॉर्मल रजिस्टर करवाओ। अगर आपको करवाना है तो आपके पैन से जितने भी बिजनेस रजिस्टर्ड हैं उन सबके लिए आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ती है, इसीलिए इनकी दोनों स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में आएगी। इसके बाद बोले टोटल टर्नओवर ऑफ द टू यूनिट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज 115 लाख, यानी कि 1.15 करोड़, जिसमें से 85 लाख एक यूनिट का था और 30 लाख रुपए दूसरी यूनिट का था। टर्न ओवर ऑफ द यूनिट A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ये हमारा किसका होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स का। ठीक है, अब सर्विसेज की अगर बात करें, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, तो वो होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, जो कि न्यूली इंसर्टेड है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर इनका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर था वो था 1.15 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए से कम था, तभी इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था। अब इनका फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि आपको पता है कॉम्पोजिशन स्कीम में हम क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इनको 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है। अब इनको इनके लिए बोला जा रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करें, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। यूनिट A1 की लोकेशन थी यूपी, इसमें इन्होंने पिछले उसमें फाइनेंशियल ईयर में 85 लाख रुपए किया था, और इनका जो करंट फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इन्होंने 5 लाख रुपए किया। दूसरे उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MP में इनका बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर इन्होंने 30 लाख रुपए का किया हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में 10 लाख रुपए का हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पर टोटल कितना होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए अगर आप देखो तो कितना होता है, 1% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि 1% हम लेंगे 5 लाख रुपए का 1%, जो कि बनता है कितना, 5,000 रुपए, और 10 लाख का 1%, यानी कि 10 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इनकी कितनी हुई, 15,000 रुपए। तो इस तरीके से आप कंप्यूट करते हो, बड़ा सिंपल होता है इसमें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन टू में हमसे बोला जा रहा है राहुल इज अ ट्रेडर। अब देखिए यहाँ पर बोले ट्रेडर है, हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में इन्होंने रजिस्टर करवाया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब अपने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स में ही रजिस्टर करवाते हैं।
ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले, राहुल इज अ ट्रेडर हु इज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। यहाँ पर ट्रेडर ने चाहे कंपोजिशन स्कीम टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड दोनों के लिए ली हो, लेकिन जब हम इसका टर्नओवर इन द स्टेट निकालेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, टर्नओवर इन द स्टेट, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग टैक्सेबल की बात करेंगे, एग्जेम्प्टेड की बात नहीं करेंगे। यहीं पर जब हमको ये देखना होगा कि ये ट्रेडर या ये रिटेलर कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो हम इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। तो उस एग्रीगेट टर्नओवर में हम सब कुछ लेते हैं, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्टेड भी। लेकिन जब हमको ये देखना होगा कि कितना अमाउंट इसको टैक्स में पे करना है, तो उसमें जो टर्नओवर होगा वो होगा टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर इसका ध्यान हम लोग रखेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद बोले गुड्स एग्जेम्प्टेड बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। इट हैज वन रिटेल शोरूम ए वन इन पंजाब एंड अनदर रिटेल शोरूम ए टू इन राजस्थान, बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। मतलब जो इनका पंजाब में था उसमें भी जो शोरूम इनका चला था उसमें भी ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों कर रहे थे, और साथ में जो ए टू इनका राजस्थान में था उसमें भी ये दोनों गुड्स सप्लाई कर रहे थे, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्टेड भी। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड ऑफ टू शोरूम इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 115 लाख, यानी कि वही 1.15 CR। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब आप देखोगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये एलिजिबल है, इसीलिए ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को, जिसमें से 85 लाख इनका एक यूनिट का था और 30 लाख रुपए दूसरे यूनिट का था। टर्न ओवर ऑफ द शोरूम ए वन एंड ए टू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 35 लाख, जिसमें से ए वन का है 15 लाख, ठीक है, और 5 लाख रुपए इसमें से क्या किया है, टैक्सेबल गुड्स का किया है, और 10 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड गुड्स का। बात समझेगा, ए वन और प्लस ए टू, ठीक है, इनका बोल रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर में ए वन और ए टू का इनका कितना है, ए वन का टोटल सेल जो दी हुई है वो दी हुई है हमको 15 लाख रुपए, और ए टू की जो टोटल सेल हमको दी गई है, जो टोटल टर्नओवर दिया गया है फर्स्ट क्वार्टर का करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा 20 लाख रुपए। इन दोनों को मिलाकर के टोटल इन्होंने 35 लाख रुपए का टर्नओवर किया है फर्स्ट क्वार्टर में, करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। लास्ट में इन्होंने रजिस्टर करवा लिया, फर्स्ट क्वार्टर में अभी क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट करेंगे जीएसटी का। ये 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए टैक्सेबल है और 10 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से 20 लाख रुपए में अगर आप देखो तो 20 लाख रुपए में 10 लाख रुपए टैक्सेबल एंड 10 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड। तो 10 लाख रुपए टैक्सेबल और 10 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड, ठीक है। 15 लाख में 5 लाख टैक्सेबल है और 20 लाख रुपए में 10 लाख रुपए टैक्सेबल है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई ट्रेडर होता है तो जब हम उसका परसेंटेज पे टैक्स निकाल रहे होते हैं तो वो हम लोग क्या लेते हैं, टर्न ओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि एग्जेम्प्टेड वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, एग्जेम्प्टेड वाले पे ट्रेडर को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना। तो यानी कि ये जो एग्जेम्प्टेड वाला है इसको हम छोड़ देंगे और ये जो एग्जेम्प्टेड वाला है इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि 20 लाख रुपए हमारा इसमें से निकल गया, बचा कितना 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इसका और 10 लाख रुपए इसका। अब देखते हैं इसका क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो वही चीज है। अब बात आती है यहां पर किस तरीके से आपको कंप्यूट करना है। तो ए वन इनका पंजाब में था जिसमें 85 लाख इन्होंने किया था, ए टू इनका राजस्थान में था जिसमें इन्होंने 30 लाख किया था। अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने A1 से टोटल कितना किया था, 15 लाख रुपए, और A2 से कितना किया था, A2 से इन्होंने किया था 20 लाख रुपए। इस 20 लाख रुपए में 10 लाख रुपए ही हमारा टैक्सेबल था, और ये A1 में 15 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ही हमारा टैक्सेबल था। तभी हम जब टैक्स कंप्यूट कर रहे होंगे तो हम सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे इनका, तो 5 लाख रुपए ये हुआ और 10 लाख रुपए ये हुआ। तो 5 लाख रुपए का 1% 5,000 और 10 लाख रुपए का 1% 10,000 रुपए, टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी 15,000 रुपए की। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन जिसका आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखोगे तो फिर आपको टर्नओवर निकालने में दिक्कत होगी वहां पे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमसे बोला जा रहा है सीमा इज अ सैलॉन स्टाइलिस्ट हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज हैविंग वन ब्रांच B1 इन वसंत कुंज दिल्ली एंड अनदर ब्रांच B2 इन गुड़गांव हरियाणा। टोटल टर्नओवर ऑफ द टू ब्रांचेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 45 लाख, 25 लाख एक ब्रांच से और 20 लाख रुपीज दूसरे ब्रांच से। टर्नओवर ऑफ ब्रांचेस B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वाज 5 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अब देखिए यहाँ पर जो सीमा है वो क्या है, सेलो स्टाइलिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है, ये आता है सर्विसेज में, और सर्विसेज में भी रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं आता है, गुड्स के अंदर में वो लोग रजिस्टर कराते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ट्रेडर होते हैं या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि हमारा आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में।
यहीं पर अगर हम बात करें कि अदर सर्विस प्रोवाइडर की, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर के जितने भी अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। अब यहां पर अगर उसकी टर्नओवर लिमिट की हम बात करें तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीज या उससे कम होता है तो फिर आप रजिस्टर करवा सकते हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। यही अगर हम गुड्स की बात करें तो वहां पर 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट होती है और 75 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें सीमा की, तो सीमा का जो दो ब्रांचेस थी, ठीक है, एक B1 और दूसरी B2, इन दोनों ब्रांचेस का मिला करके उसने किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 45 लाख, आराम से क्या कर सकती है, रजिस्टर करवा सकती है अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में। इसके बाद बोले टर्नओवर फर्स्ट क्वार्टर में B1 से इनको हुआ था 5 लाख रुपए का और B2 से इनको हुआ था 10 लाख रुपए का। अब आप मुझे बताओ कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए टैक्स रेट कितना होता है, तो इनके लिए टैक्स रेट होता है कितना, 6% का, जिसमें 3% CGST और 3% SGST होता है। ये देखिए A1 दिल्ली में था, 25 लाख रुपए का इसमें किया था, A2 हरियाणा में था, 20 लाख रुपए का इसमें किया था, फर्स्ट क्वार्टर में 5 लाख रुपए और यहाँ पर 10 लाख रुपए, तो वही 6% आप 5 लाख का निकालोगे तो 30,000 और 10 लाख का निकालोगे तो 60,000, टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पर 90,000 रुपीज। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है मिस्टर ए इज अ मैन्युफैक्चरर, मिस्टर इज अ मैन्युफैक्चरर इन पंजाब एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी इफ ही रजिस्टर्स अंडर दिस स्कीम, हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाइज आर एज अंडर। तो पहले हमको ये चेक करना है कि ये एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाया था इस तरीके का। यहाँ पर जो हमको ये देखना होगा कि एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें लेते हैं, एक तो इंटरेस्टेड सप्लाई लेंगे जो कि टैक्सेबल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सब कुछ आएगा और उसमें ट्रेडर में भी आता है, तो 50 लाख रुपीज ये होगा, साथ में 30 लाख रुपए GST में वो अनरिलेटेड सप्लाई का आता है, ये भी हो जाएगा, RCM वाला हम लोग नहीं लेते हैं, उसके बाद एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स का भी हम यहाँ पर लेंगे, तो 50 और 30 80 और ये 1.2 CR। तो 1.2 करोड़ इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर था, इसका मतलब अब ये एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में ये रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इन्होंने रजिस्टर किया तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसी तरीके से हम इनका टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वार्टर में इनका कितना हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में इनका हो रहा है 15 लाख रुपए, इसको हम ऐड करेंगे, साथ में 20 लाख रुपए हम इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो एग्जेम्प्टेड गुड्स का भी यहाँ पर टर्नओवर इन द स्टेट आएगा। देखिए यहां पर जो बात करी थी मैंने वो एग्रीगेट टर्नओवर की करी थी, यहां पर मैंने बात करी थी एग्रीगेट टर्नओवर की, अब जो मैं यहां पर बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी मैन्युफैक्चरर के केस में अगर आप देखोगे तो सब कुछ आता है, और उसमें ट्रेडर के केस में एग्जेम्प्टेड वाला आप छोड़ दोगे, तो ये 15 लाख रुपए भी लेंगे, साथ में 20 लाख रुपए ये भी लेंगे और इनवर्ट सप्लाई नहीं लेंगे, उसके बाद ये GST एग्जेम्प्टेड सप्लाई ये भी हम लेंगे, इसी तरीके से सेकंड क्वार्टर में अगर आप तो ये लेंगे और ये लेंगे, टोटल इसका कर लेते 15 लाख 20 लाख और 30 लाख, तो ये हो जाएगा 65 लाख रुपीज। यहां अगर आप देखो तो यहां पर हो जाएगा कितना, 30 लाख रुपए, यहां पर ये लेंगे और ये लेंगे, तो टोटल कितना होगा 55 लाख रुपीज। इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर 50 लाख रुपीज हो जाएगा। तो यहां पर हमको जो इनका टर्नओवर इन द स्टेट मिला वो फर्स्ट क्वार्टर में 65 लाख, सेकंड क्वार्टर में 30 लाख, थर्ड क्वार्टर में 55 लाख और फोर्थ क्वार्टर में 50 लाख। अब यहां पर देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 65 लाख, सेकंड क्वार्टर में 30 लाख, थर्ड क्वार्टर में 55 लाख एंड फोर्थ क्वार्टर में 50 लाख रुपीज। क्यूमुलेटिव टर्नओवर की अगर हम बात करें, क्यूमुलेटिव टर्नओवर क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब कि पिछले क्वार्टर्स का इंक्लूड करते हो, तो मतलब 60 लाख, ये 65 लाख रुपए हुआ, फिर इसके बाद 65 लाख में हमने 30 लाख को ऐड किया, तो इनका सेकंड क्वार्टर तक टोटल टर्नओवर कितना बना, 95 लाख का बना, इसके बाद 95 लाख में हमने 55 लाख को ऐड किया, तो थर्ड क्वार्टर तक इनका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 1.5 CR हो गया। ये जो क्यूमुलेटिव टर्नओवर की बात कर रहे हैं ये हमारा एक तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर है जिसके बेसिस पे हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया वो ठीक है, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा तभी तक उठा सकते हो जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है या 1.5 सीआर तक है। अगर 1.5 सीआर को करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सीड कर देते हो तो इसका मतलब अब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ करके स्विच करना पड़ेगा किसमें, नॉर्मल स्कीम में। तो यहां पर 65 लाख पे 1% का पेमेंट ये करेगा क्योंकि अभी ये एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो 65 लाख का 1% आप यहां पर निकालोगे कितना हो जाएगा, 65 लाख का 1% ये बनेगा हमारा 65,000 रुपीज, 65,000 रुपए ये बना। इसके बाद 30 लाख रुपए यहां पर 1% इस पे भी पेमेंट करेगा, यानी कि 30 लाख रुपए का अगर आप 1% देखो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है।
इसके बाद 55 लाख रुपए पे भी आराम से पेमेंट करेगा 1% का, कितना बनेगा 55 हजार रुपए। अब देखें क्यूमुलेटिव टर्नओवर पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर क्यूमुलेटिव टर्नओवर में सेकेंड क्वार्टर तक ठीक है, थर्ड क्वार्टर कंप्लीट होने के साथ ही इनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गया। मतलब हमने हर क्वार्टर का अलग अलग पेमेंट तो हम जीएसटी का कर रहे हैं जो हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम में बन रहा है, लेकिन यहां पर हमको यह भी देखना है कि हमारा टोटल टर्नओवर मतलब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होता जा रहा है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इनका फर्स्ट क्वार्टर में 65 लाख था, सेकंड क्वार्टर में आकर के इनका फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलाकर के 95 लाख हुआ। फिर जब ये थर्ड क्वार्टर में आया तो इनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को मिलाकर के कितना हो गया 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सीड कर दिया, मतलब ये इनका रीच हो गया है। तो अब सीधी सी बात है कि 1.5 करोड़ जैसे इनका एक्सीड होगा तो इनको अब स्विच करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम से किसमें, नॉर्मल स्कीम में। तो जब ये नॉर्मल स्कीम में स्विच करेंगे तो इनका जो ये 50 लाख रुपए पे जीएसटी पे करेंगे वो 50 लाख रुपए पे इनको पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ सपोज 18%। मतलब हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि इनका जो जीएसटी का रेट बन रहा है वो 18% बनता है। तो अब ये 50 लाख रुपए पे इनको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा 18% का, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं कि 18% रेट ज्यादा हो गया तो आपके लिए नुकसान की ही बात है, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम में यहाँ पर जो भी आप टैक्स कंप्यूट अपना कर रहे हो ये पूरा आपको पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट एनी आईटीसी, लेकिन यहाँ पर जो आपने 18% पे पेमेंट किया है इसमें आपको आईटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। तो आप 50 लाख का अगर आप देखो 18%, तो 50 लाख रुपीज का 18% तो ये बनेगा 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। अभी हमने ये ले लिया कि आईटीसी का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपनी कंप्यूट करेंगे। अब यहाँ पर आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपनी देख लेना कंप्यूट करके कि कितनी बड़ी है, 65,000, 30,000, 55,000 एंड 9 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं टैक्स लाइबिलिटी को। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो क्यूमुलेटिव टर्नओवर है वो हमारा जैसे ही 1.5 CR को एक्सीड करेगा या 1.5 रीच करेगा वहां पर तुरंत एलिजिबिलिटी वहां पर खत्म हो जाती है उसकी कॉम्पोजिशन स्कीम की, और पर्सन को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर नॉर्मल स्कीम। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमसे ये बोला जा रहा है मिस्टर ए इज अ ट्रेडर इन पंजाब। अब यहां पर देखिए यहां पर ट्रेडर लगा हुआ है, तो ट्रेडर के केस में एग्रीगेट टर्नओवर नॉर्मल तरीके से जैसे आप निकालते हो वैसे निकालोगे, टर्न ओवर इन द स्टेट जो आप निकाल रहोगे तो वहां पर आपको एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट हटा देना, एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो निल रेटेड सप्लाई हो हटा दो, ठीक है। इसमें बोल रहे वॉन्ट्स टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम कंप्यूट इज टैक्स लाइबिलिटी इफ ही रजिस्टर अंडर दिस स्कीम हिज टर्न ओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर। यहां पर जो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर 50 लाख रुपीज ये ऐड होगा, ये 30 लाख रुपए ऐड होगा, ये नहीं ऐड होगा, ये ऐड करोगे तो ये 1.2 CR होगा। तो इसका मतलब मिस्टर ए जो है यहाँ पर जो ट्रेडर है वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अब बात आती है कि फर्स्ट क्वार्टर में इनका टर्न ओवर इन द स्टेट हम किस तरीके से निकालेंगे, तो टर्न ओवर इन द स्टेट के लिए आपको टैक्सेबल सप्लाईज लेनी है, निल रेटेड सप्लाई लेनी है, निल रेटेड सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई आप नहीं लोगे। एग्रीगेट टर्नओवर में आप लेते हो क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर सबका सेम रहता है, लेकिन जब हम टैक्स को कंप्यूट कर रहे होते हैं तो ट्रेडर के केस में एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट नहीं लेते, तो ये 20 लाख रुपए नहीं आएगा, आरसीएम वाला तो वैसे भी नहीं आता है, और ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 15 लाख रुपए हो गया। दूसरी चीज सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखो तो सेकेंड क्वार्टर में इनका 10 लाख रुपए ये वाला ऐड होगा, 20 लाख रुपए ये वाला ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, ये कितना होगा इनका टोटल टर्नओवर यहाँ पर कितना हुआ सेकेंड क्वार्टर में, ये 10 लाख रुपए ही रहेगा क्योंकि एग्जेम्प्टेड वाला है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद बात आती थर्ड क्वार्टर की, तो थर्ड क्वार्टर में 20 लाख रुपए ये लेंगे, 15 लाख रुपए नील रेटेड सप्लाई नहीं लेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं लेंगे, आरसीएम है ही नहीं, तो यहाँ पर इनका ये जो इस क्वार्टर का बनेगा वो 20 लाख रुपए बनेगा। और फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखो तो फोर्थ क्वार्टर में इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर इनका वो एक्सीड करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में 15 लाख, सेकंड क्वार्टर में 10 लाख और थर्ड क्वार्टर में 20 लाख रुपए। फर्स्ट क्वार्टर में 15, सेकंड क्वार्टर में 10 और थर्ड क्वार्टर में 20 लाख रुपए। अभी इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 15 लाख का 1% इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा, 15 लाख का 1% कितना होता है, 15 लाख का 1% होगा 15 हजार रुपए, 10 लाख का 1% 10 हजार रुपए, ठीक है, 20 लाख का 1% 20 हजार रुपए। अब यहां पर मैंने 18% क्यों लिखा है, ठीक है, यहां पर 18% क्यों लिखा है, देखिए आपको ये पता चल गया 15 हजार है, 10 हजार है और 20 हजार रुपए है। यहां पर अगर हम क्यूमुलेटिव टर्नओवर की बात करें तो क्यूमुलेटिव में मैंने 65 लाख लिखा है, 95 लाख लिखा है और ये 1.5 CR लिखा है, लेकिन यहाँ तो 15 ही लाख रुपए, तो 15 और 10 25 होना चाहिए था, 25 और 20 45 होना चाहिए था। यहां पर देखें ना, यहां पर अगर आप देखो तो ये इनका जो 15 10 और ये 20 ये मिलाकर के 45 लाख रुपए हो रहे हैं,
अभी भी एलिजिबल है ये, क्योंकि इनका 1.5 करोड़ रुपए से तो कम है, तो फिर मैंने 18% क्यों लिया? यहां पर देखें, यहां पर जब हम लोग टर्नओवर इन द स्टेट लेते हैं, तो मैंने अभी भी आपको बताया टर्नओवर इन द स्टेट में हम लोग एग्जेम्प्टेड वाले को तो छोड़ दे रहे हैं, ये वाले हमने छोड़ दिए, ठीक है, ये सारे हमने छोड़ दिए। लेकिन जब हम एलिजिबिलिटी के लिए देखेंगे तो हमको देखना होगा एग्रीगेट टर्नओवर, जिसमें कि एग्जेम्प्टेड वाला पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो सबके लिए एग्रीगेट टर्नओवर सेम होता है। तो यहां पर जब आप ले रहे होंगे एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको सबका टोटल करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी आरसीएम वाला इंक्लूड नहीं होता हमारा, एक्सक्लूड होता है तो उसको छोड़ देंगे, ये हमारा इंक्लूड होता है। तो यानी कि यहां पर बनेगा कितना, 65 लाख रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर, नॉट टर्नओवर इन द स्टेट। यहां पर भी 10 लाख रुपीज 20 लाख रुपीज दोनों आएगा, यानी कि 30 लाख रुपए ये हो गया। यहां पर भी ये तीनों आएंगे, यानी कि ये कितना हो गया, 55 लाख रुपीज। तो 65, 30 और 55 ये मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये मिलाकर के होगा 1.5 CR, यानी कि इस बार इन्होंने भी 3rd क्वार्टर में अपना 1.5 करोड़ रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब अब ये कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल करके किसमें आ जाएंगे, नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। नॉर्मल स्कीम में इनको पेमेंट करना पड़ेगा इस 50 लाख रुपए पे कितना, 18% का, तो ये आप कंप्यूट कर लेना, और यहां पर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है, अ फोटोग्राफर विकास हैज कमेंस्ड बिजनेस प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। अब देखें क्या हुआ, यहां पर जो विकास है इसने इसी फाइनेंशियल ईयर से, मतलब ये जो 22 से लेकर के 23 है, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, इसी में अपनी सर्विसेज कमेंस करी हैं। इसका मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे हम लोग इसका? कभी भी अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर होता है क्या, निल, ठीक है। जब पिछले इसने पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसने कोई बिजनेस किया ही नहीं, तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो यानी कि अगर किसी का एग्रीगेट टर्नओवर निल है, निल का मतलब एक तरीके से जीरो, और जीरो आपका क्या होता है, लेस देन 1.5 CR या फिर 50 लाख रुपीज। तो यानी कि कोई पर्सन अगर जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। तो इस विचार का हमेशा ध्यान रखेगा कि अगर किसी ने फ्रेश अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो एलिजिबल हो जाता है कंपोजिशन स्कीम के लिए, अंटिल अनलेस उसने एकदम से अपना बल्क में बिजनेस करके 1.5 करोड़ रुपीज का एग्रीगेट टर्नओवर पहले महीने में ना कर लियो, ठीक है, बहुत हाइपोथेटिकल केस होता है ये। खैर, यहां पर हमसे बोले हैं एग्रीगेट टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर टिल दिसंबर इज एज फॉलोज। तो फर्स्ट क्वार्टर में इसने किया था 24 लाख रुपए, सेकंड क्वार्टर में किया था 26 लाख रुपए का, थर्ड क्वार्टर में किया था 20 लाख रुपए का। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, विकास ने अपना बिजनेस जस्ट अभी स्टार्ट किया है, यानी कि अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर वो कब करवाएगा, रजिस्टर वो कब करवाएगा, अगर कोई पर्सन सर्विसेस अप्लाई कर रहा होता है, तो उसके लिए अगर आप दिल्ली की लिमिट देखोगे, ठीक है, आप पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो मैंने बना रखा है, रजिस्ट्रेशन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर के देख लेना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है और उसे सर्विसेज अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए जो लिमिट दी गई है वो 20 लाख रुपए की होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन सर्विसेज अप्लाई कर रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए को एक्सीड करता है, तो फिर वो पर्सन लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब अब उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो यानी कि अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो विकास था, इसने 24 लाख रुपए का टर्नओवर किया हुआ है, यानी कि 20 लाख रुपए का जैसे ही इसका रीच हुआ होगा, इसके बाद जब इसने एडिशनल 4 लाख रुपए किए, लेकिन 20 लाख कंप्लीट होते ही ये क्या हो गया, लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के। अब जब ये लायबल हुआ है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो इसके पास में दो ऑप्शन होंगे, या तो ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाए, या तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। मान लेते हैं कि इसने अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में अपने आपको रजिस्टर करवा लिया, तो अभी क्योंकि इसका अगर आप सर्विसेज में देखोगे, तो सर्विसेज में मैंने क्या बताया था, 50 लाख रुपीज की लिमिट होती है, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए, 50 लाख रुपीज से कम होना चाहिए। और अगर आप यहां पर देखेंगे, तो यहां पर इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो निल है, यानी कि वो लेस देन 50 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब ये एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो इसने अपने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर यहां पर करवा लिया। तो ये जो 20 लाख रुपए से 4 लाख रुपए एडिशनल इसका है, इस पे इसको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको एग्रीगेट टर्नओवर वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपने 1 अप्रैल से लेकर के जब तक आप लायबल होते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तब तक का आपका जो भी टर्नओवर होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लूड वाले उसमें क्या क्या आइटम आपको एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। तो उसमें एक तो आपका जीएसटी होता है, जो भी आपने जीएसटी पेमेंट किया है, दूसरा आपका अगर आपने आरसीएम के अंडर में पेमेंट किया है वो एक्सक्लूड होता है, अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज सप्लाई करी है तो वो आपकी एक्सक्लूड होती है, साथ में अगर आपने फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, मतलब अभी इसी साल में तो रजिस्टर करवा रहा है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर ही अपना रजिस्टर करवा रहे हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और आइटम को एक्सक्लूड करते हैं, जो कि होता है आपका टर्नओवर फ्रॉम फर्स्ट
डे ऑफ द अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जब तक के वो लायबल नहीं हो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, यानी कि जब आप टर्नओवर निकाल रहोगे ये वाले साल का टर्नओवर इसका, क्योंकि इस क्वार्टर में भी इसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा क्योंकि इसका 20 लाख को एक्सीड कर गया, तो यहां पर जो 20 लाख रुपए है इस पे इसको कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो किसमें आ गया, एक तरीके से आपकी एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो यहाँ पर हटा दी जाती है 20 लाख, और अगर आप गुड्स का केस लोगे तो 40 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए पे इसको कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, जो एडिशनल इसने 4 लाख रुपए किया है उस पे इसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखें फर्स्ट क्वार्टर में इसने 24 लाख रुपए किया था, क्यूमुलेटिव टर्नओवर इसका कितना है 24 लाख रुपीज है, क्योंकि अभी फर्स्ट की बात हो रही है। टर्न ओवर इन द स्टेट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम सिर्फ 4 लाख रुपीज लेंगे, क्योंकि 20 लाख रुपीज हमारा टर्न ओवर इन द स्टेट में एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि हमने एक्सक्लूड वाले पार्ट में एक और आइटम को डाला था जो कि था टर्न ओवर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जब तक वो लायबल नहीं हो जाता तब तक का टर्न ओवर हम लोग हटा देंगे जब हम टर्न ओवर इन द स्टेट को कंप्यूट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए पे क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है तो इसको क्या पे करना पड़ेगा, 6% पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 24,000 रुपए। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में इसने किया 26 लाख रुपए, तो 26 लाख रुपए ये हुआ। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव टर्नओवर जो हम निकालेंगे तो फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे, मैंने आपको बताया ना क्यूमुलेटिव टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की तरह आपका होता है, तो उसमें आप अपना वो वाला पार्ट भी लेते हो जो आपका एग्जेम्पशन वाला पार्ट था। लेकिन जब आपको टैक्स पेमेंट की बात आएगी तो टैक्स पेमेंट में 20 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि तब तक आप एलिजिबल ही नहीं थे, तब तक आप लायबल ही नहीं थे टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो यहां पर आपको 20 लाख रुपए आपका छूट गया, लेकिन जब आप टर्नओवर निकाल रहे होगे अपना एलिजिबिलिटी के लिए तो फिर आप इसको इंक्लूड करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव टर्नओवर में आपको ये वाला 24 लाख भी दिखेगा, मतलब 24 और प्लस 26, तो ये हो गया 50 लाख रुपए। तो 26 लाख रुपए भी इन्होंने पेमेंट कर दिया 6% का, जो कि हुआ 1,56,000। अब देखिए क्यूमुलेटिव टर्नओवर अगर आप देखें तो क्यूमुलेटिव टर्नओवर यहाँ पर 50 लाख रुपीज हो गया है, और सर्विस प्रोवाइडर के केस में ये होता है कि अगर वो जो सर्विसेज करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसने अगर अपने आपको रजिस्टर करवाया है तो वो तभी तक एलिजिबल है जब तक उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 50 लाख रुपीज है। 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर उस केस में वो वहां पर उसको स्विच करना पड़ता है नॉर्मल स्कीम के अंडर में। तो इसका सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पर रीच हो गया है 50 लाख रुपीज, यानी कि अब इसको बाहर निकलना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम से और इसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अंडर नॉर्मल स्कीम। तो ये जो थर्ड क्वार्टर है इस थर्ड क्वार्टर में अब ये कॉम्पोजिशन डीलर नहीं रहा, ये क्या हो गया नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो गया है। तो यानी कि इसको 20 लाख रुपीज पे पेमेंट करना पड़ेगा कितने का, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 18% ही हम लोगों का टैक्स रेट चल रहा है, वो अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि 18% है। तो ये हो गया 3,60,000 रुपए इसको पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना टैक्स लाइबिलिटी और एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आप लोग एक बार जाकर के एग्रीगेट टर्नओवर वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वहां पर भी मैंने ये सारी बातें करी लेकिन यहाँ पर फिर से मैंने आपको एक बार रिकॉल ये सारे चीजें करवा दी हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई डाउट होता भी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।